हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम की में। और बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे पटवारी भर्ती के पर जो भी रिजल्ट आए थे और उसके लेकर यहाँ पर विरोध चल रहे थे, तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर ऑफिशियली आप देख सकते हैं कि उनका यहाँ पर ट्वीट आ चुका है। और इस पर क्या कुछ लिखा हुआ है, इनके द्वारा लिखा गया है, अभी से जस्ट एक घंटे पहले ये ट्वीट किया गया था कि कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड जो है, यानी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो ग्रुप टू सब ग्रुप फोर एवं पटवारी भर्ती परीक्षा में जो भर्ती परीक्षा उसके परीक्षा परिणाम में एक सेंटर के परिणाम को पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है और इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां अभी रोक रहा हूं, ऐसा शिवराज सिंह जी चौहान जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं एमपी के, उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। और सेंटर के परिणाम का पुनः परीक्षण किया जाएगा, सेंटर के परिणाम का पुनः परीक्षण किया जाएगा, ये बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर है, हम बता दें आपको कि एक घंटे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर किया गया है। यह उनका ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है, आप भी यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यहाँ पर इस विषय को संज्ञान में लिया गया है पुरजोर तरीके से। ठीक है, सारे जो विद्यार्थी इस पर प्रोटेस्ट आज दिन भर जो है चलता रहा था, आज पूरा का पूरा प्रोटेस्ट एमपी के लगभग हर जिले में यहाँ पर इस पर प्रोटेस्ट चला था, तो अब इस पर जो है इस तरह की कार्रवाई ली जा रही है। अब जो जो उस जो कॉलेज है जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही थी उसके बारे में परीक्षा परिणाम फिर से देखा जाएगा। बाकी सारे के लोगों की जो नियुक्तियाँ हैं वो यहाँ पर रोक दी जाएगी, कब तक रुकी रहेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, इसके बारे में कह नहीं सकते। लेकिन आप इस पर अब आप जो है अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें, जिसके जो भी एग्ज़ाम थे। बाकी इसमें बहुत जल्दी कोई ना कोई अपडेट आपको और मिलेगा, तो हम अपने चैनल पर जरूर जानकारी देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टडी विद दिस चैनल, आप बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू, शेयर करना बिल्कुल भी।